हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हेलमेट के अंदर रहकर ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और बहुत ज़्यादा ठंड है। जा रहा हूँ क्लाइंट के घर ट्रेनिंग लेने के लिए। अपनी बचपन का प्यार तैयार है, तो चलो निकलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ट्रेनिंग से वापस आने के बाद मैं अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इतनी ठंड थी ना, जाते टाइम पूरी टाइम में ऐसे गाड़ी चला रहा था, ऐसे बहुत ठंडी। इसलिए घर आने के बाद मेरा रजाई ओढ़ कर ऐसे सोया था। अभी बच चुके ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके, 8:40 हो चुके हैं, पर फिर भी ठंड बहुत 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 ज़्यादा है। फिलहाल आज वर्कआउट थोड़ी अब नहीं है, शायद दोपहर को हुआ वो केटलबेल का जिम, आज नहीं है, कल होगा जिम। तो चलो ब्रेकफास्ट करता हूँ, भूख काफ़ी लगी है, ठंड में भूख ज़्यादा लगती है, तो चलो पहले कॉफ़ी, जब तक गर्मा गर्म है तब तक कॉफ़ी पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस, कॉफ़ी मैंने पी ली है और अभी एक मन में ख्याल आया है कि कुछ अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। तो अब मैं पीने जा रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी और उसमें डालूंगा एक हाफ स्कूप वे। कैसे लगता है, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, फाइनली हमारा नया ड्रिंक बनकर तैयार है। ठीक तो कॉफ़ी जैसे रहा है पर टेस्ट कुछ अलग है, क्योंकि प्रोटीन का फ्लेवर है वह कैपुचिनो। तो टेस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा स्लाइटली, पर अच्छा है। कॉफ़ी है तो कड़वी होगी ना थोड़ी सी, और अच्छा है, गुड गुड। सो गाइस, अभी इसमें जो एक दूसरा जो बक्सा आया है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें क्या है आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं, एक छोटा कबर्ड है। तो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है क्योंकि मुझे 12 बजे जाना है सिद्धार्थ सर के यहाँ पर, उनका आज बर्थडे, तो उनको विश भी करेंगे और वर्कआउट भी करेंगे केटलबेल का। एक दो हफ्ते से किया नहीं, आज वाट लगने वाली है। अगर आप थोड़ा भी मिस कर दो या तीन दिन, तो मस्कुलर एंड्योरेंस आपका काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो एनीवेज, पहले ये बाहर निकालते हैं, उसमें नीचे 2-3 बक्से और है वो रखेंगे और वो कल दे देंगे। ओपन करते हैं, आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। टूट गए। सो गाइस, फाइनली इस बक्से में से ये बाहर निकला है और ये है मेरी बैकपैक्स। ये सामान सब इसमें जाएगा और ये जाएगा किसी के घर, और ये बक्सा भी जाएगा, ये सब राइडिंग गियर जाएंगे इधर। तो सब रूम एकदम क्लीन चकाचक हो जाएगा। थोड़ा सा और काम भी बचा है, यहाँ पर एक वार्डरोब आना बाकी है। सॉरी, अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा, अब शायद नहीं आएगा, रुको। हाँ ठीक है, फिर भी आ रहा है, मैंने लाइट चालू किया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक आएगा वार्डरोब,
और बस खत्म, इतना ही। सो गाइज चलो सिद्धर सर के यहाँ, ये है माइक, गाड़ी का आवाज़ है इसलिए माइक से बात कर रहा हूँ। तो चलो सिद्धर सर के घर चलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और आते हैं। आज शायद हमारे नए जीएस की एक्सेसरीज आ जाएंगी, तो देखेंगे, शायद उनका मैसेज आया है, उनका कोड बताना है, उसके बाद में वो पार्सल दे देंगे। चलो पहले ट्रेनिंग करके आते हैं। सो गाइस सिद्धर सर के यहाँ पर पहुँच गया हूँ, अभी 10-15 मिनट में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और आज की हालत बहुत 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 टाइट होने वाली है मेरी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि 2-3 दिन का भी अगर गैप हो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरा तो 2 हफ्ते का हुआ है, इसलिए भाई अभी से टेंशन आ रहा है मुझे। चलो मिलता हूँ ट्रेनिंग के बाद। सो गाइज वर्कआउट हैज़ बीन डन, अभी चलते हैं घर। और जैसा वर्कआउट मैं एक्सपेक्टर था वैसे ही हुआ, यार शोल्डर गए आज। चलो अभी घर चलते हैं, भूख भी काफ़ी लगी है, खाते हैं, नहाते हैं और काम पर लग जाते हैं। स्टे ट्यून, थोड़ी देर में मिलता हूँ। हेलमेट आ चुका है अपना। जब मैं घर पर नहीं था तब घर पर काफ़ी सारी घटनाएं घट रही थी, उसमें से ये घटना ये है, हेलमेट आ गया हमारा। यस यस यस, पहले खाना खाता हूँ उसके बाद में करेंगे अनबॉक्सिंग। हाँ फाइनली जाकर हाथ में है लंच, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत भूख लगी थी और काफ़ी दिनों के बाद आज कटल बल का ट्रेनिंग किया इसलिए कुछ ज़्यादा ही भूख लगी। चलो खाते हैं और काम पर लग जाते हैं। सो गाइज हेलमेट का डिब्बा या बॉक्स कह लीजिए, उसका अब होगा अनबॉक्सिंग। हाय जी और शादु दोनों आए हैं। विटनेस, यस विटनेस। और शार्दुल अभी बनेगा हमारा कैमरा मैन। सो ओवर टू शार्दुल। और ये रहा हमारा HJC-70। अग्रिम चौधरी, थैंक यू फॉर दिस। फाइनली मैंने दोनों वाइजर बिठा दिए हैं थैंक्स टू यूट्यूब। तो ये जो कंपनी है HJC, ये कोरियन कंपनी है, आई थिंक इट्स अ साउथ कोरियन कंपनी। और ये जो हेलमेट है ये एक यामाहा का स्पैनिश MotoGP राइडर था जिसका नाम है होहे लोरेंसो, वो ये हेलमेट यूज करता था और वो मेरा फेवरेट राइडर था। तो फिलहाल तो मैं MotoGP उतना फॉलो नहीं करता क्योंकि उसमें से वैलेंटिनो रॉसी ने रिटायरमेंट ले ली है, तो मेरा वैसे भी इंटरेस्ट काफ़ी ख़त्म हो गया है, तो मैं देखता नहीं। पर आई थिंक HJC के हेलमेट्स काफ़ी MotoGP राइडर्स पहनते हैं, तो मैंने इसीलिए ये हेलमेट खरीदा। सो गाइज ये अपना नया कबर्ड बन के तैयार है, नीलकमल का, काफ़ी आसान था इससे बनाना, काफ़ी इसमें सामान मेरा फिट हो भी गया। तो गाइज अभी मैं और पिताजी जा रहे हैं हमारे पिताजी के दोस्त के घर, उनको
अपनी नई GS दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। वैसे हमने उनको कहा था 8 बजे पहुंचते, अभी 8:05 बाकी हैं, निकलते हैं पहले और टाइम पर पहुंचते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना, इधर ही घर है उनका। सो गाइस, अभी बजे है 9:40, अभी 10 मिनट पहले घर आया। जैसे मैंने आपको कहा था कि डैड के फ्रेंड के घर गया तो उनको अपनी GS दिखाने के लिए, उनको काफ़ी पसंद आई, उनको एक गेड़ी मारकर उनके घर वापस छोड़ा। फिर मैं पिताजी को लेकर घर वापस आया, फिर अभी मैं देख रहा था अपना ये नया HSE C70 हेलमेट, काफ़ी बढ़िया है। मतलब पुणे और मुंबई में ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, ये मुझे मंगाना पड़ा देहरादून से, तो काफ़ी। और हाँ, आज 3 पार्सल आए, एक पार्सल ये है, एक अमेजोन से पार्सल आया है, उसमें ये अपने व्हीकल क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, और एक बड़ा वाला पार्सल नीचे है जिसमें है अपने GS के एक्सेसरीज, जो काफ़ी इसेंशियल है, जिसमें बेस प्लेट है, रेडिएटर ग्रिल है, लोअर गार्ड है, अपर गार्ड है, नकल गार्ड्स हैं, फिर साइड स्टैंड का जो एक्सटेंडर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं है, और है अपना क्या हाँ बस वही नहीं, और हैंडल बार रेजर्स है, तो वो एक बक्से में आए, वो पार्सल आया जयपुर से, हेलमेट आया देहरादून से, और पूरी इंडिया में से पार्सल आ रहे हैं मुझे। एनीवेज, नीचे चलकर मैं आपको सिर्फ बक्सा दिखाता हूँ, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे कल। ओके, शार्दुल आएगा कल, क्योंकि वो अच्छा शूट कर लेता है, तो मैंने उसको बुलाया है, वो आ जाएगा, फिर हम अनबॉक्सिंग करेंगे उसका। फिलहाल तो चलते हैं नीचे, ठंड बहुत है, नीचे चलकर कुछ पीते हैं कॉफ़ी। सो गाइज, हेलमेट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि हेलमेट लगा कर ही घूम रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, कैसा लगा कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे ही, पर काफ़ी लाइट पड़े हेलमेट, बहुत ज़्यादा था। तो चलो हेलमेट निकालता हूँ और आपको दूसरा बॉक्स दिखाता हूँ, मतलब दूसरा जो पार्सल आज आया है वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है वो तीसरा बक्सा, जो यार थोड़ा भारी है ये। इसमें है हमारे सब एक्सेसरीज कार के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग राइड के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले है। तो चलो इस बक्से को अभी उठाता हूँ और ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि इसे बाहर रखना अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। सो गाइस, अपने GS के एक्सेसरीज का बॉक्स ऊपर लेकर आया हूँ मैं, और मैंने सोचा चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, ये मैं मेरे राइडिंग गियर्स रखने के लिए यूज करूँगा, शायद यहाँ ऊपर लॉक पर आसानी से जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे ये राइडिंग गियर्स है, मतलब जैकेट तथा उसके बाद में शूज, नई गार्ड्स, हेलमेट तो वैसे भी जाएगा ऊपर, तो ये इसमें डालकर ऊपर रख देंगे, जिस दिन राइड होगी उसके पहले एक दिन हम ये उतारेंगे, और जब राइड खत्म होगी वापस रख देंगे, काफी आसान हो जाएगा। कैसा है प्लान? तो गाइज, इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आज 3 दिन पार्सल्स आए, लकी डे। एनीवेज, सो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इसी के साथ दिस इज योर फ्रेंडशिप ब्लॉग साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और इस वादे के साथ चलता हूँ कि कल वापस जरूर मिलूंगा आपसे, और चैनल से पहले 4 बजे फोन कर जाना, कौन से गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड, आई विल सी यू वेरी 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 सून, सो बाय बाय।